राम राम भाई सारा ने एक बार फिर से मंजित एकेडमी चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम हरियाणा की प्रमुख खबरें लिख के आए 16 अप्रैल 2024 की। चलो अब शुरुआत करते हैं। कनीना स्कूल बस हादसे में 2 आरोपियों को गिरफ्तार, अब तक 7 की हो चुकी है गिरफ्तारी। हरियाणा में एक दिन के लिए बदला स्कूल का समय, दुर्गा अष्टमी पर सुबह 10 बजे से होगी पढ़ाई। अपने हलके में ही चुनाव प्रचार करेंगे विज, बोले जो अब मेरे साथ हुआ है वह मुझे भी समझ आ गया है। सदर थाना पर भारी हुए एसआई को विजिलेंस ने किया गिरफ्तार, सट्टे की मंथली लेते हत्थे चढ़े। डीसी निजी स्कूल संचालकों से बोले अभिभावक बच्चों को 6 से 8 घंटे आपको सौंपते हैं, सुरक्षा की गारंटी लें। स्कूल बसों के काटे चालान, इंश्योरेंस नहीं होने पर चालान काटे स्कूलों को सौंपी बसें। बिजली फॉल्ट ठीक करने पोल पर चढ़े एएलएम का करंट से हाथ झुलसा, जेई पर केस दर्ज। दलीलों और दावों और दरारों से दुविधा में कांग्रेस, सूबे में 6 सीटों पर सुलझने के बजाय उलझ रहे हैं पेच। प्रत्याशियों को लेकर उद्धव एसआर के आमने सामने, अब कमेटी भी नहीं बना पाई सहमति। कांग्रेस को नहीं मिल रहे हैं उम्मीदवार नायब सिंह सैनी। पुरस्वरक 10,000 मीटर वॉक दौड़ में व्यूहानी का संदीप प्रथम, बस जप्त करने का विरोध। स्कूल संचालकों को 3 दिन हड़ताल पर रहने का ऐलान। सिंचाई विभाग ने चुनाव आयोग से मांगी 16 ड्रेनों की सफाई की अनुमति। एपी कार्ड पर सफर के लिए अभी करना होगा इंतजार। नागरिक अस्पताल में मरीजों और कर्मचारियों को घायल कर रहे हैं बंदर। तिहाड़ जेल में अरविंद केजरीवाल से मिलकर भावुक हो गए भगवत मान सिंह, नहीं रोक पाए अपने आंसू। उम्मीदवारों के बाद मनीष तिवारी पहुंचे कांग्रेस भवन, कार्यकर्ताओं ने फूल बरसाकर किया स्वागत। राज्यसभा सांसद संदीप पाठक बोले हर हफ्ते 2-2 मंत्री सीएम से करेंगे मुलाकात। बेरी के कांग्रेस विधायक को चुनाव आयोग का नोटिस, 1 सप्ताह में जवाब मांगा। नॉमिनेशन के लिए प्रत्याशी को देनी होगी 25,000 रुपये की जमानत राशि। किर्गिस्तान में मनीषा अंतिम ने जीता कांस्य पदक। सोशल मीडिया पर प्लेटफॉर्म पर प्रचार प्रसार में भाजपा आगे, कांग्रेस दूसरे और आप तीसरे नंबर पर। सनराइज हैदराबाद ने आरसीबी को 25 रन से हराया, कार्तिक ने खेली साहसिक पारी। हेड ने लगाया आईपीएल इतिहास का 4th सबसे तेज शतक, गिलक्रिस्ट को पीछे छोड़ा। पॉइंट टेबल में राजस्थान सबसे ऊपर, आरसीबी सबसे नीचे। तो ये थी कुछ प्रमुख खबरें जो हम आपके लिए लेके आए थे। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करें। भगवान करे आप सभी का दिन शुभ रहे।